संध्या, संध्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो संध्या, 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 संध्या प्लीज अपनी आंखें खोलो, क्या बचपना किया तुमने ये, प्लीज। सब मेरी वजह से हुआ है, लांचन और बदनामी के अलावा मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया। कुछ नहीं होगा संध्या, तुम्हें मुझे मर जाने दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हटिए अब। क्या हुआ संध्या मैडम? सर रात के 2 बजे और पार्टी कार्यकर्ता घर में क्या कर रहे हैं आप? सर इनके हाथ से खून क्यों बह रहा है, आखिर क्या मामला है, बताइए हमको सर। प्लीज कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए रजत जी, आप चुप क्यों हैं? एक राजनीतिक पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने खुदकुशी करने की कोशिश की और रात के 2 बजे उसके घर आकर उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया उसी पार्टी के मशहूर नेता रजत वर्मा ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रात के 2 बजे अपने इलाके का लोकप्रिय और उभरता हुआ राजनीतिक सितारा अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के घर क्या कर रहा था? जब सच जानेंगे तो सामने आएगी प्रेम, राजनीति और अपराध के त्रिकोण से बुनी एक डरा देने वाली घटना। सर आज का शेड्यूल काफी हेक्टिक है सर, 10 बजे पीएम साहब के सेक्रेटरी से मीटिंग है सर और 12 बजे कार्यकर्ताओं से, उसके बाद क्षेत्र का दौरा भी है सर। सर एक रिक्वेस्ट और आई है सर, संध्या ब्यूटी सलून की नई ब्रांच को इनोग्रेट करने के लिए सर। हाँ हाँ मालूम किया मैंने, हाँ बोल दोस्तों। पर सर इससे तो वो संध्या को ही पब्लिसिटी मिलेगी, हम लोगों को क्या फायदा? हमें मिलेंगे वोट शर्मा जी, और मेरा मानना है कि यदि एक रिबन काटने के बदले 5,000 वोट मिलते हैं तो सौदा घाटे का नहीं है। मैं फिक्स करता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई सर, एक सवाल पूछना है सर आपसे। हाँ सर, कैसे महसूस कर रहे हैं? बस एक सवाल सर, एक सवाल का जवाब दीजिए सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपकी व्यापार के लिए, सारी शुभकामनाएं। शहर के विकास के लिए आपकी और क्या क्या रणनीतियां हैं? आप लोगों का विकास, नारी का विकास, समाज का विकास। भाई वाह, बहुत शानदार पार्लर बनाया संध्या जी आपने। थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा आपसे एक दरखास्त और है। हाँ जी। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। जी मुझसे जरूरी बात? और यहाँ भीड़ है तो शायद ना हो पाएगी, तो कल आप पार्टी ऑफिस आ सकती हैं क्या? जी श्योर, ओके। नमस्कार। दरअसल संध्या जी मुझे लगता है कि आप में वो बात है कि हम आपके साथ मिलकर आपके इलाके में आपके लोगों के लिए ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो बहुत अच्छा है। तो बताइए पार्टी मेंबर बनेंगे आप? नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज ना मत बोलिए, आपसे हमें बहुत उम्मीद है और अगर आप मना करेंगे तो हम लोगों का मन टूट जाएगा। प्लीज आप तो सिर्फ साइन कीजिए। आप कह रहे हैं तो शायद ठीक होगा, पर एक परेशानी है सर। दरअसल मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और मेरे पति उसी इलाके के हैं, बहुत तंग करते हैं, और ऐसे में अगर मैं आपके साथ, पता नहीं सही होगा या नहीं। अब वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ फोन पे साइन कीजिए। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो संध्या, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं तंग करूंगा। ये पेपर्स, अब तुम्हें तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल गया होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने ये सब मेरे लिए किया। अगर एक महिला स्वतंत्र रूप से कोई काम करना चाहती है तो हम हमेशा उसके साथ हैं। वैसे भी आप हमारे इतने काम आने वाले हैं तो क्या आपके लिए छोटा सा काम हम नहीं कर सकते हैं? अच्छा ये सब छोड़िए, आप 2 घंटे के अंदर पार्टी ऑफिस आ सकती हैं, हमें प्रचार के लिए निकलना है। अच्छा ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके। संध्या के ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन और पार्टी से जुड़ने के ऑफर के पीछे रजत का उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक लाभ था, लेकिन संध्या ने इसे किसी और ही नजरिए से देखा। पति से अलग हो चुकी संध्या को किसी सहारे की तलाश थी
और जब रजत ने उसे कुछ परेशानियों से निजात दिलाई तो उसे लगा रजत में वो सब कुछ है जो वो एक पुरुष से चाहती है। प्रचार के दौरान रजत ने संध्या की अच्छी तरह से देखभाल की और रजत ये सब कुछ सिर्फ अपनी पार्टी के वोट्स बढ़ाने के लिए कर रहा था, लेकिन संध्या को लगने लगा कि रजत का उसकी तरफ झुकाव है और अब वो रजत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। रजत की हिफाजत और शराफत में उसे बतौर महिला एक पुरुष का अपनी तरफ रुझान नजर आने लगा। अब वो रजत पर अपना अधिकार समझने लगी, रजत के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के ख्वाब में वो ये भूल गई कि रजत शादीशुदा है, उसका अपना एक परिवार है। इसी बीच रजत फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। बधाई हो सर, भारी बहुमत से जीते हैं हम लोग। शर्मा जी, मुझसे ज्यादा आपको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कहां है चुनाव जिताने वाले? अरे सर, अरे संध्या जी, आप कहां चली गई थी? राजनीति में लगातार मिलती कामयाबी और बढ़ते खत की बदौलत रजत अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगा, लेकिन संध्या को अपने और रजत के बीच कोई भी दूरी मंजूर नहीं थी। अरे संध्या जी, एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? सर तो ऑफिस में है नहीं, बाहर गए। कहाँ, फिर कोई मीटिंग? नहीं नहीं नहीं, फैमिली गेट टुगेदर है, आज अपनी वाइफ के साथ लंच पे गए हैं। अच्छा, हेलो। ये क्या मजाक है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से खाना बना के लाई हूँ और तुम? तो क्या हुआ इसमें? शर्मा जी वगैरह है ना, उनको दे दो, वो लोग खा लेंगे, ठीक है? जान, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम साथ होते हैं तो सिर्फ हमें साथ होना चाहिए, तुम्हारे फोन को नहीं। मैं भी तुम्हारा हूँ, वक्त भी तुम्हारा है, ठीक है? अच्छा एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी आपके क्षेत्र का दौरा करेंगे वो, आप निश्चिंत हो जाइए। कहाँ है रजत? मीटिंग में है, उसे बोले मुझे मिलना है। देखिए आप वेट कर लीजिए, वो अभी बिजी है। पीएस साहब, मैं मामूली वर्कर नहीं हूँ, मैं संध्या हूँ, उनसे कहिए फौरन मिलना है मुझे। संध्या जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, सर बिजी है। संध्या जी प्लीज, मीटिंग चल रही है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। क्या ये सब? वी आर इन अ मीटिंग संध्या, होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे अभी बात करनी है, काम हो गया तो भूल गए मुझे तुम? 10 मिनट प्लीज, 10 मिनट। क्या बदतमीजी है संध्या? बच्चे हम लोग या पब्लिक फिगर? पर मैं पब्लिक नहीं हूँ रजत, मैं संध्या हूँ और तुम्हारे कहने पर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तब तुम्हारे पास मेरे लिए दिन रात हुआ करते थे, अब 2 मिनट की फुर्सत नहीं है? तुम सीधी सीधी बात करो, पॉइंट टू पॉइंट, मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात ये है कि अब तुम्हें मेरे बनाए हुए खाने से ज्यादा अपने बीवी का साथ पसंद है। ऐसा क्या है उसमें रजत जो मुझ में नहीं है? तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। आई रियली लव यू रजत। मुझे पता है कि तुम पार्टी के काम से बिजी हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताते हो, तुम मेरा खून खौलने लगता है, तन बदन में आग लगने लगती है। हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बोलने की? तुम्हारी पत्नी है वो मेरी, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं। तुमसे मेरे जो भी संबंध थे पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण थे, तुमने मुझे कैलिबर दिखा था इसलिए तुम्हारी हेल्प करी, इसके आगे मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं छटक दोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी रजत। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा, दोबारा अपनी यह मनुष्य शक्ल लेके मत आना, समझी तुम? गो! सर, इस औरत से दूरी बना के रखिए, अब आप मिनिस्टर हैं, अपोजिशन को तो सिर्फ मौका चाहिए, बैठे बैठा बदनामी हो जाएगी सर। पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर संध्या को रजत ने वो सब कुछ दिया जिसका उसने वादा किया था, लेकिन संध्या तो वो सब चाहती थी जिसका रजत को अंदाजा भी नहीं था। जहां रजत की महत्वाकांक्षा राजनीति के शिखर को छूने की थी, वहीं संध्या रजत को पाना चाहती थी। दोनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे और जब संध्या को
सीधे रास्ते से अपनी मंजिल मिलती नजर नहीं आई तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार करने की ठानी। संध्या के लिए अब ये वो जंग थी जिसमें सब कुछ जायज था, लेकिन अब क्या करने जा रही थी संध्या रजत के साथ? क्या रजत को आने वाले भूचाल का अंदाजा भी था? कौन होने वाला था रजत और संध्या की इस कहानी का तीसरा कौन? तुम यहां क्या कर रही हो? रजत, आपने इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रजत, गलती किस इंसान से नहीं होती, उनसे भी हो गई। वो बेचारी कब से आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं, और आप है कि उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। रजत, आप ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे ना, वो गुरु मानती हैं आपको। आप कहती हैं तो माफ कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं ऑफिस जाऊँ। मेरा घर आपके रास्ते में ही है, मुझे छोड़ देंगे प्लीज? आइए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, टेक केयर, बाय। क्या ड्रामा था घर आने का तुम्हारा? ड्रामा तो वो था जो उस दिन ऑफिस में हुआ। रजत जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, पर अब मुझे एहसास हो गया है। I'm really sorry. मैं माफी मांगने ही आपके घर आई थी। आपने मेरा करियर बनाने का सोचा और मैं पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी गलती कभी ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा रजत जी, आज मेरा बर्थडे है, अगर आज शाम मेरे घर पर आप आ सकें तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ कर दिया। कोशिश करूंगा। ठीक है। तुम्हें तो पाकर रहूंगी मैं रजत, तुम्हें मेरा होना ही होगा, इस तरह या उस तरह। आज मैं तुमसे वो करवाऊंगी रजत, जिसे तुम्हें मुझे मेरा हक देना ही होगा। बनूंगी मैं संध्या रजत वर्मा। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे संध्या जी। सर नहीं आ पाएंगे, एक्चुअली उन्हें अपनी वाइफ के साथ उनकी फ्रेंड की पार्टी में जाना पड़ा। कहलवाया है कि केक कल ऑफिस में काटेंगे, ये आपके लिए भिजवाया है। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। मैडम आपका पार्सल। थैंक यू। रजत, ये तो आपके नाम का है, खोल के देखो। रजत, ये क्या हुआ? रेखा, ये मेरे फोटोज नहीं है, आई मीन असली नहीं है। ये किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है। तुम ब्लिप करती, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हाँ रजत, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मैं आती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, 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 बात ही नहीं कर रहा है कोई। हेलो, निकाल देना काली वाली जैकेट।
हेलो रजत जी, आज दौरे पे जाना याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं निकल ही रहा था, चलो वहीं मिलते हैं, बाय। ओके ओके हाँ बाय। दौरे पे जाना है तो खाना मैं वहीं खाऊंगा, शाम का मत बनाना, ठीक है? अपनी कामनाओं को पूरा करने की चाहत में संध्या को एक ही रुकावट नजर आ रही थी, रजत की पत्नी रेखा। अपने आकर्षण का जादू न चलता देख संध्या ने रजत और रेखा को दूर करने की हर तरकीब का सहारा लिया। अपने स्वार्थ में अंधी होकर अपना विवेक खो चुकी संध्या अब जिंदगी की बिसात पर एक ऐसा जुआ खेलने जा रही थी जिसमें जीतने के लिए वो किसी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। हेलो हेलो रजत जी हैं? रजत जी तो नहीं है घर पे। खैर मैंने ऑफिस में मैसेज छोड़ा है, अगर वो यहाँ पर आए ना तो प्लीज जरा उन्हें बोलना कि शालिनी उनका दौसा वाले फार्म हाउस पर वेट कर रही है। कौन शालिनी? सब बातें तो बताई नहीं जाती ना, कुछ बातें पर्सनल होती है ना। बस आप उन्हें ये कहिएगा कि मैं इंतजार कर रही हूँ, वो सब समझ जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच। हाँ बाय। हेलो साहब, ऑफिस में है? साहब तो जरूरी मीटिंग के लिए दोसा फॉर्म गए हैं। कहाँ गए हैं? ये दोसा फॉर्म, कोई मैसेज हो तो आप बता दीजिए। नो थैंक्स। कमाल की मीटिंग रही, अगर ये चीज सही काम करेगी ना तो मजा आ जाएगा। लगी तो नहीं? आपकी जैकेट गंदी हो गई। पर कोई बात नहीं, हो जाएगा साहब, चलिए अंदर चलते हैं, आइए आप लोग बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ, प्लीज। हाँ, किसी शालिनी का फोन आया था तुम्हारे लिए? आया होगा, बहुत कॉल आते। दौसा फार्म गए थे, कुछ काम था वहाँ? मीटिंग थी कुछ। किस बारे में? कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकता। बात क्या है, इतने क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि आज मेरे सारे सवालों के जवाब तुम्हारी ये जैकेट दे रही है। रेखा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या गलत फहमी हो रही है तुम्हें? गलत फहमी तो आज दूर हुई है मेरी, सही तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों जब मैं फोन उठाती थी तो ब्लैंक कॉल्स होती थी, जब आप फोन उठाते थे तो बात हो जाती थी, और फिर अचानक आप ये कह के कहीं निकल जाते थे कि आपको जरूरी काम है। वो फोटोग्राफ्स की बात अभी तक मैं भूली नहीं हूं रजत, और आज तुम्हारी जैकेट पर ये लिपस्टिक का निशान, अब मुझे सब कुछ साफ समझ में आ रहा है कि फार्म हाउस में कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने लगी हैं आपकी। नहीं रेखा जी, आप गलत समझ रही हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये दाग एक्चुअली मेरी गलती से लगा है। ओ, तो इसका मतलब ये है कि इन सब में तुम भी शामिल हो। अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये मरे जा रहे थे तुम्हारे पार्लर का उद्घाटन करने के लिए। रेखा, इस लड़की की वजह से तुमने मुझ पे चिल्लाना भी शुरू कर दिया। लगता है बहुत जगह बना ली है इस लड़की ने तुम्हारे दिल में, और इसकी लिपस्टिक ने आपकी जैकेट पर। आप हद से आगे बढ़ रही हैं मैडम। हद में रहने की जरूरत तुम्हें, और ये तुम्हारी हद, इस बात को याद रखना। Get lost. संध्या, क्या बदतमीजी है ये? क्या बच्चों से हरकतें कर रही हो रेखा, थोड़ा तो समझदारी से काम लो, समझो तो मेरी बात। अच्छा मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रही, जब तक आपकी बातें समझती रही तब तक मैं समझदार थी, और क्या समझदारी दिखाऊं कि उस दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लूं? हद है। ए भाई, मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है, प्लीज बी सेंसिबल। और गलत फहमी का शिकार हो तुम और कुछ नहीं, और तुमने उस पर उल्टा सीधा बोल दिया संध्या को, क्या सोचोगे वो बेचारी? वो बेचारी, वाह अब जनाब को मैडम बेचारी भी लगने लगी, तो ठीक है ना, चाहिए और उसके साथ रहिए, मैं जा रही हूँ मेरे मायके। तुम मेरी सुनोगी समझोगी कुछ? समझने की जरूरत अब आपको है, डिवोर्स पेपर भेजूंगी, बेहतर होगा साइन करके भेजते। रेखा प्लीज सुनो,
हेलो रजत जी, संध्या को बचा लीजिए। क्या हुआ संध्या को? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। संध्या, संध्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो संध्या। संध्या, संध्या, संध्या प्लीज अपनी आंखें खोलो। क्या बचपना किया तुमने ये? प्लीज सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे मर जाने दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हटिया। क्या हुआ संध्या मैडम? सर रात 2 बजे और पार्टी कार्यकर्ता है घर में, क्या कर रहे हैं आप? सर इनके हाथ से खून क्यों बह रहा है? आखिर क्या मामला है, बताइए हमको सर। प्लीज कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए रजत जी, आप चुप क्यों हैं? संध्या की चाल कामयाब हो रही थी और उसके नापाक मंसूबे पूरे होते दिखाई दे रहे थे। रजत और रेखा के बीच दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनके बीच बात तलाक तक आ पहुंची थी, और ये मामला मीडिया में उछलने के कारण अब रजत की लोकप्रिय छवि भी बिगड़ने लगी थी। इधर रजत इस बात से बेखबर था कि सांप उसकी आस्तीन में था और पूरे हंगामे के पीछे संध्या का ही हाथ था। उल्टा वो तो इस बोझ तले दबा जा रहा था कि उसकी वजह से संध्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या वार करने जा रही थी अब संध्या? क्या रजत संध्या की बेरहम साजिशों का राज जान पाएगा या सिर्फ शिकार बनकर रह जाएगा? अब कौन सी साजिश चल रही थी संध्या के दिमाग में? थैंक यू। थैंक्स किस लिए? दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे घर की कला के कारण तुम्हारे साथ ये सब हुआ। और नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे बचाने के चक्कर में आपने आपका पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ऑफिस आकर मीडिया में बयान दे दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है संध्या कि मेरी कुर्सी का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। परवाह इस बात की है कि मैं रेखा को हमेशा के लिए ना खो दूं। आज वो मुझे छोड़ के गई और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मैं नहीं खोना चाहता उसको। समझ में नहीं आता, इतने इल्जाम लगाए आप पर, उसने आपके झूठे फोटोज पर यकीन किया, आपके प्यार पर नहीं, और आप अभी भी उसे विश्वास कर रहे हैं? भूल जाइए ना उसे। रजत, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी बीवी से भी बहुत खुश रखूंगी। प्लीज मुझसे शादी कर लो रजत, मुझसे शादी कर लो रजत। बिल्कुल शर्म बेच खाई है तुमने अपनी। जिस रेखा के लिए तुम इतना सब कुछ बोल रही हो, उसी रेखा के कहने पर मैंने तुम्हें माफ किया था, भूल गए तुम? अगर आज मैं इधर हूं तो केवल इंसानियत के नाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लेना आज अपने संध्या, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरा पहला और आखिरी प्यार है। और हाँ, आज के बाद मेरे आसपास भी मत दिखना, वरना याद रहे मुझसे बुरा तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में है। इस लड़की के दिमाग से फितूर जा नहीं रहा है, संध्या के दिमाग से बकवास पे बकवास किए जा रही है। कहती है कि मुझसे शादी कर लो, रेखा मेरे लायक नहीं है। और क्या क्या बकवास कर रही है कि आप एक ऐसी पत्नी पे विश्वास करते हो जो आपकी नकली फोटो देख के मान लेती कि वो असली है? शर्मा जी। यस सर। ये फोटोग्राफी वाली बात किस किस को पता थी? सर आपको, मुझको और रेखा मैम को। कंफर्म ना? जी सर, किसी और को पता लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये संध्या को कैसे मालूम पड़ा? आप एक काम करिए। जी सर। तुरंत पता करिए कि मीडिया को जो कॉल गया था वो किस नंबर से आया, इमीडिएटली। जी सर। मुझे पता था तुम आओगे। ही लव मी ना? प्यार करती हो तुम मुझसे, है ना? एक एक कॉन्स्पिरेसी तुम्हारी सामने आ गई है, समझी? घर पे ट्रिक फोटोग्राफ तुमने पहुंचाए, ब्लैंक कॉल्स तुमने किए, नस काटने के बाद मीडिया को भी फोन करने वाली तुम ही थी। मैं ही थी।
मैंने ही फोटोज भिजवाई थी और मैंने ही रिपोर्टर्स को बोला था, पर मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो मेरे साथ तो हो सकते हो ना? हट पीछे, हट। ये है तेरा असली रूप। अब समझ में आया कि रेखा और तुम में क्या अंतर है? अगर तुम औरत नहीं होती ना, सीधे सर में गोली मारता। कल तक का वक्त देता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ, मुझे क्लीन चिट दो, ठीक? उसके बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। रजत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करो और भिजवा दो मेरे घर। तुम्हारे घर के दरवाजे पे दो लिफाफे रखे हैं, एक में डिवोर्स पेपर्स हैं और दूसरे में मेरे बेगुनाही के सबूत। दोनों में जो मन हो चुन सकती हो तुम। रजत, मुझे माफ कर दो प्लीज रजत, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। दरअसल मैंने संध्या को गलत समझा, गलती मेरी थी, ये सारी आग उसी की लगाई है। लेकिन थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें तो सारी सच्चाई पता चली। तुम्हें मिलना चाहती हूँ। अभी? अभी के अभी। तो फिर इंतजार किस बात का है? बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। छुटकारा मिल जाएगा। समझदार हो तुम, ये उस बयान की कॉपी है जो तुम्हें देना है, ध्यान से पढ़ो। बयान तो मैं नहीं देने वाली। तो फिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? जितनी चाहिए हो, हर हाल में। कभी नहीं, किसी हाल में नहीं। देखना अपने घर की बर्बादी। संध्या, मुझे सख्त कदम उठाने पे मजबूर मत करो। कदम मैं उठाने वाली हूँ रजत जी, उसके बाद तुम कोई कदम उठा नहीं पाओगे। ओह, बचाओ, ये क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ। रजत जी, ये आप क्या कर रहे हैं? चाहिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। ओह, बचाइए, छोड़िए। मैडम जी, क्या हुआ आपके साथ? सबका बयान लेने आए थे, लेकिन क्या हुआ आपके साथ? आप देख नहीं रहे क्या हुआ मेरे साथ? ये देखिए, मुझे रजत जी ने बयान से आधा घंटा पहले ऑफिस में बुलाया और जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और ये हाल में ला दिया। मंत्री जी, ऐसा आप चुप करिए, इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने कुछ नहीं देखा। आपकी चुप्पी क्या बयान कर रही है? मंत्री जी, आप ऐसे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, सच्चाई मान लें। सफेद पोश नेता के काले कारनामे, पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार,
रजत वर्मा का असली चेहरा जनता के सामने। मामला फौरन मीडिया में उछला। जनता और महिला संगठनों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। कोई भी रजत की बात सुनने को तैयार नहीं था। इधर विपक्ष ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया। नतीजा, पुलिस को रजत को गिरफ्तार करना पड़ा। जिसने संध्या को राह दिखाई, संध्या ने उसी का जीवन बर्बाद करके रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, आड़े वक्त में अपनों और परायों की पहचान हो जाती है। वही यहां भी हुआ। सच्चाई का पता चलते ही रजत की पत्नी रेखा ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया। रेखा ने रजत को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। पार्टी लीडर्स से मिली, महिला संगठनों, वकीलों के पास गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। संसदीय चुनाव सर पर होने के कारण पार्टी खुद को रजत के प्रकरण से अलग रखना चाहती थी, और महिला संगठन तो पहले ही रजत के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए थे। रेखा को सूझ नहीं रहा था क्या करे। उसकी हर कोशिश नाकाम हुई थी। अब उसके पास संध्या से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रजत पर लगाया इल्जाम वापस ले लूं। आखिर क्या बिगाड़ा है रजत ने तुम्हारा? एग्जैक्टली उसने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। वो तो बेचारा तुम्हारे साथ की सजा भुगत रहा है। और रहा सवाल मेरे इल्जाम का, तो वो तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। उसे वापस ले लूंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। क्यों तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? क्योंकि तुमने मेरे सपनों का घर उजाड़ा है ना, इसलिए। तुम अगर ये कहने आई हो ना तो गेट लॉस्ट नाउ, क्योंकि अभी तो मैं खेलूंगी। मेरे पास अभी भी वो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें रजत गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ना, वो वाले। तुम जल्द से जल्द रजत की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगी, समझी? मैं कल संध्या से मिली थी। वो धमका रही थी क्योंकि फोटोग्राफ्स अभी भी उसी के पास है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर। शर्मा जी, इसी मुश्किल से रास्ता भी निकलेगा। आप सिर्फ इतना पता करिए कि शहर में ट्रिक फोटोग्राफी कौन कौन करता है। राइट, क्योंकि एक बार अगर हमें वो फोटोग्राफर मिल जाए तो फिर हमारे पास इस बात के पक्के सबूत आ जाएंगे कि संध्या शुरू से इन्हें फंसाना चाहती थी। एग्जैक्टली। आप जानते हैं सर, पार्टी इस बात की परमिशन कभी नहीं देगी, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके सच को भी जानता हूँ। मैं आउट ऑफ द ब्लू जाकर इस काम को करूंगा। मेरा यकीन मानिए सर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पीए शंकर और रेखा ने शहर के सारे फोटो स्टूडियो छान मारे, उस एक फोटो स्टूडियो की तलाश में जहां मॉर्फिंग टेक्निक के सहारे रजत की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उन्हें अश्लील तस्वीरों का रूप दिया गया था। पीए शंकर ने भी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और आखिरकार राजेश नाम के उस फोटोग्राफर को ढूंढ ही निकाला। फेस पे स्माइल है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छी फोटो आएगी आपकी, डिलीवरी कल हो जाएगी, डोंट वरी। यस जी, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ फोटो बनवानी है, कर पाएंगे आप? अरे कैसी बात कर रही है मैडम, मेरा तो काम ही यही है, बिल्कुल बना पाएंगे। अच्छा, लेकिन एकदम रियल लगनी चाहिए, लगे कि मैं उनके साथ ही थी, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। अरे मैडम, ऐसी रियल फोटो बनाऊंगा कि जैसे लगेगा आप अमिताभ बच्चन जी के साथ शूटिंग कर रही हैं और आप उनकी हीरोइन हैं, ऐसी रियल फोटो बनाऊंगा। अच्छा? हाँ, ऐसी रियल। कौन है आप? मैं रजत की वाइफ हूँ। आपने जो हरकत की है उसकी वजह से शायद आप नहीं जानते, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप पुलिस को ये बयान दें कि आपने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ संध्या के कहने पर किया। देखिए, आपकी इस हरकत की वजह से आज मेरे पति पुलिस स्टेशन में, उन्हें जेल हो चुकी है। इस वक्त आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये सच पुलिस के सामने बता देंगे तो मेरा यकीन कीजिए, आपको सजा नहीं होगी, ये वादा है मेरा आपसे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रजत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे संध्या का ही हाथ था। यही वो फोटोग्राफर है जिसके साथ मिलकर संध्या ने ट्रिक फोटोग्राफी की और रजत को फंसाया।
बताओ साहब। वो हाँ, मैंने रजत साहब की ट्रिक फोटोग्राफी की थी। सोच कर बोलो, बिल्कुल सच कह रहे हो ना? बताओ, बोलो सच बोल रहे हो? अरे लीजिए 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 अपने पैसे, मुझे मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। साहब साहब ये मुझसे नहीं होगा, मेरा तो करियर खराब हो जाएगा। साहब ये मैडम मेरे पास आई, मुझे 50,000 रुपए दिए और मुझसे कहा कि झूठ बोलो। मैं गिरी संदेह को नहीं जानता। क्या बोल रहा है तू? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, माँ कसम। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, इसको अंदर कीजिए। शांत रहिए, जाओ जाओ। पर हाँ मैडम, अगर आप रजत जी की वाइफ नहीं होती तो कॉन्स्पिरेसी केस में आपको अंदर डाल देता। आप ऐसा भी कर सकती है। वो तो अच्छा हुआ किसने यहाँ सब कुछ सच सच बता दिया। अगर अदालत में वकील से जीरा के दौरान बोलता आपकी तो इज्जत जाती ही जाती, हमारी भी इज्जत जाती। चलिए जाइए यहाँ से आप लोग। तुम भूल जाती हो ना, एक अपराधी की बीवी हो। तुम्हारे जाने के बाद ये फोटोग्राफर मेरे पास आया था, 2 लाख में खरीद लिया से। तुम भी खरीद लेती, पर तुम जैसे सीधे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि टेढ़ा सोच नहीं पाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब ये सबूत ढूंढना, बेवकूफी करना छोड़ दो। क्योंकि जब तक मैं नहीं कहती ना कि रजत बेगुनाह है, तब तक कोई और नहीं कहेगा। तुम जैसे सीधे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि टेढ़ा सोच नहीं पाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब ये सबूत ढूंढना, बेवकूफी करना छोड़ दो। क्योंकि जब तक मैं नहीं कहती ना कि रजत बेगुनाह है, तब तक कोई और नहीं कहेगा। जानती थी तुम फोन करोगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ तुमसे। तो बताइए, क्या समझाने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? समझाने के लिए नहीं, सौदा करने के लिए बुलाया है तुम्हें। ये बताओ कि रजत के सर से इल्ज़ाम हटाने का क्या लोगी तुम? ओह, बहुत फास्ट निकले तुम तो। कल ये ज्ञान मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम आज मुझ पर ही आजमा रही हो। जानती हूँ बहुत पैसा है तुम्हारे पास, पर ये मामला पैसों का नहीं है, दिल का है। और मुझे जो चाहिए वही चाहिए, खुद रजत। दोगी? नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन की हद तक ला चुकी हूं मैं। उसके झूठे फोटोग्राफ्स भेजकर, मीडिया में उसकी झूठी खबर भेजकर, अब तो वो अपराधी साबित हो भी चुका है। उसने कुछ किया भी नहीं और कितनी सजा भुगत रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से। और क्या, तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, मैं केस वापस ले लूंगी। तुम उसे डिवोर्स देने वाली थी ना, क्या हुआ? दे देती, अरे सबकी लाइफ सेट हो जाती ना। अभी देर हुई नहीं है वैसे। आज भी अगर रजत सबके सामने मुझसे शादी का ऐलान करता है तो मैं केस वापस ले लूंगी। वैसे भी केस है ही क्या, उसने कुछ किया ही नहीं। बोलो, मंजूर है? नहीं तो ठीक है, फिर उसे जेल भेजने की जिम्मेदार तुम होगी।
ये सब क्या है? अब जेल जाने की बारी आपकी है संजय जी। मैंने क्या किया? इन्होंने मुझे रिश्वत देने के लिए बुलाया था। अब आपने क्या किया है और क्या नहीं, आप ही के शब्दों में इसमें रिकॉर्ड हो चुका है संध्या जी। यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट। पिछली बार का तमाचा तुम बहुत जल्दी भूल गए। उम्मीद करती हूं कि इस बार का ये तमाचा और अपनी हद याद रखोगी। नारी में असीम शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का गलत इस्तेमाल, उसका अपमान। संध्या ने भी अपनी शक्ति का अपमान किया और उसका जवाब दिया एक और नारी ने, यानी रजत की पत्नी ने। रजत ने संध्या में प्रतिभा और संभावनाएं देखकर ही उसे मौका दिया था, लेकिन अपनी अवांछित आकांक्षाओं की वजह से संध्या महज एक अपराधी बनकर रह गई। संध्या आज अपने किए की सजा भुगत रही है। उसे मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 और मिथ्या आरोपों के लिए आईपीसी की धारा 191, 192, 193 और साथ ही साथ आईटी एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया और इन सभी धाराओं के तहत उसे 2-2 साल की सजा सुनाई गई। ये दोनों सजाएं इस वक्त वो साथ साथ भुगत रही है, लेकिन जो सजा संध्या जेल से बाहर निकलकर भुगतेगी वो कहीं ज्यादा दूभर होगी, जहां उसे लोगों की नजरों में सिवाय घृणा और तिरस्कार के और कुछ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, हम किसी के भी इरादे पहले से नहीं भांप सकते, लेकिन हाँ, सावधान रहना हमारे अपने हाथ में। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभेच्छा के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।